दोस्तों आपने ये बात तो सुनी ही होगी। बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहे हो। लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ आपने इससे तेज किसी को भी देखा होगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। दोस्तों इस दुनिया में आपको ये तो मालूम होगा कि हर व्यक्ति अलग है और यहाँ पर हर कोई शख्स ही एक से बढ़कर एक है। ऐसे में हर एक व्यक्ति अपने काम में माहिर होता ही है। वैसे अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम आज दुनिया भर में मौजूद कुछ फास्टेस्ट वर्कर्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर साथियों, देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज का वीडियो कुछ माहिर लोगों के साथ। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि हम ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रोजाना अपने चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं मक्खन से, जिसे आपने कभी न कभी तो खाया ही होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? नहीं मालूम तो जरा इस व्यक्ति को देखिए, जो कि बस दो वुडन शॉवल्स के साथ ही मक्खन को उसकी शेप दे रहा है, जो कि देखने में काफी सेटिस्फाइंग लग रहा है। हालांकि दोस्तों इसे फैक्ट्री में मौजूद मशीनों के द्वारा भी शेप दी जा सकती है, लेकिन ये व्यक्ति हाथों से इसे बना रहा है। खैर है तो ये भी हमारी तरह ही एक आम व्यक्ति, मगर इस काम के मामले में ये सबका बाप लग रहा है। कुछ इसी प्रकार से आप ट्रैफिक मार्किंग्स लगा रहे इस शख्स को देखिए, जो केवल अपने हाथों से और अपने टैलेंट से सड़क पर इन मार्किंग्स को लगा रहा है, वो भी पूरे परफेक्ट तरीके से। हालांकि ये काम भी मशीनों से किया जा सकता है, मगर इस टैलेंटेड बंदे की दाद देनी पड़ेगी जो ये इस काम को बिना किसी मशीन के भी इतने परफेक्शन के साथ कर रहा है। अब दोस्तों ऐसा ही एक और व्यक्ति है जिसके लिए तालियां तो जरूर होनी चाहिए, और वो है ये स्पेशल वर्कर, जो महाशय केचप को इन प्लास्टिक ग्लासेस में जल्दी जल्दी से डाले जा रहे हैं। और आप जरा इनके हाथों को तो गौर से देखिए, ऐसे लग रहा है मानो जैसे कोई बिजली पर मशीन चल रही हो। अब आप जो देख रहे हैं ये भी एक तरह का कलरफुल कैंडल्स ही होती है। खैर आप इस पर गौर करना छोड़ दीजिए और इस पर गौर कीजिए कि इनको फैक्ट्री में काटा कैसे जाता है। दोस्तों पहले तो इनकी इतनी सारी लंबी स्टिक्स को एक साथ जोड़ा जाता है और फिर एक तीखे से औजार से उसे खच खच फटाफट काटा जाता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये सभी बिल्कुल एक ही टाइम पर और एक ही साइज की कट रही हैं। वैसे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी छोटी चीज को कोई इतना परफेक्ट तरीके से कट कर सके। आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में भी फलों को काटने वाले कुछ तेज तरार लोग दिखाए थे, मगर अब आप लेमन काटने वाले इन जनाब से मुलाकात कीजिए। इन महाशय की छुरी इन नींबुओं पर इतनी तेज चलती है कि देखने वाला बस इन्हें देखता रह जाए, और ये उसके देखते ही देखते लगभग खड़े खड़े 100 से 200 नींबू आसानी से काट दे। दोस्तों ये महिला वर्कर तो अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा चुकी है, जहाँ पर हमें तो पहली बार में देखने पर यकीन भी नहीं हुआ कि आखिर इतनी तेजी से कैसे इन कुछ जड़ी बूटियों टाइप को काट रही है। पर हमें ये तो नहीं मालूम कि मोहतरमा किस चीज को काट रही है, मगर इनकी टेक्निक उम्दा और आला है। कुछ ही सेकंड में इन्होंने अपने पास की काफी सारी जगह को खाली कर दिया। इस शेफ को देख कर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मानो इसे चाबी देकर छोड़ा हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये तो इनका टैलेंट है जो कि अब सर चढ़कर बोल रहा है। जहाँ पर ये शेफ साहेब हरे प्याजों के इतने बारीकी और तेज गति से काट रहे हैं कि इनके क्या ही कहने। अब इस कलाकार को भी देखिए, जहाँ ये शख्स लोगों को खिला भी रहा है और खाने की चीज के साथ इन्हें एंटरटेनमेंट भी दे रहा है। मगर दोस्तों एक साथ दो दो काम करना भी कौन सा आसान होता है, क्यों सही कहा ना मैंने। दोस्तों एयरपोर्ट पर अपने सामान की पैकिंग करवाने में काफी समय लग जाता है, हालांकि ये काम मशीनों से भी होता है, मगर आज हम एक बंदा ढूंढ कर लाए हैं जो किसी मशीन से कम नहीं है। मिले आप इन जनाब से। अगर ऐसे वर्कर्स हर एयरपोर्ट पर हो तो आपको आपका सामान वहीं खड़े खड़े ही मिलेगा और ना ही ज्यादा उसका इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों मीट को ग्रिल्ड करने में भी हुनर की जरूरत है, जो कि इस शख्स के पास तो है ही, मगर उसके भी अलावा हमारे भाई साहब हर पीस को पलट भी उतना ही जल्दी कर रहे हैं ताकि ये ज्यादा काला ना हो जाए, नहीं तो खाने में मजा किरकिरा हो जाएगा। इसे कहते हैं मास्टर। तरबूज को काटना भी बच्चों का काम नहीं है, क्योंकि ये काफी बड़ा होता है और इसे काटने में काफी पावर लगती है, पर अगर बड़ा चाकू और हाथों में जान हो तो इसे कुछ ही सेकंड में काट पाना बड़ा ही आसान है।
बिल्कुल स्ट्रीट फूड वेंडर की तरह। आप देख सकते हैं विशालकाय तरबूज को इन्होंने कैसे कुछ ही मिनटों में काट डाला, और ये कैसे मुमकिन हो पाया एक बड़े से चाकू और उनकी नेक्स्ट लेवल स्किल के कारण। मगर दोस्तों, आप इसे घर पर इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स का ही काम होता है। अब आप इस फास्ट कटिंग फेस्टिवल में इन दो कुक्स की भिड़ंत को देखिए। जाय ने एक प्याज को एक दूसरे से पहले काटना था, मगर इसमें सफेद बालों वाले कुक की जीत हो गई और वो खुशी के कारण झूमने लगे। तो कई बुजुर्ग कहते हैं ना कि सफेद बाल बेटे ऐसे ही नहीं किए हैं, ऐसा ही कुछ कुक भी अपने अपोनेंट को कह रहा होगा। हम ईमानदारी से बोल रहे हैं दोस्तों, हमें नहीं मालूम ये शख्स क्या काट रहा है, लेकिन हमने वीडियो में एक क्लिप बस इसलिए ऐड की क्योंकि इनके इतने बड़े चाकू से इस चीज को काटने का स्टाइल हमें पसंद आ गया। और ऐसा हो भी क्यों ना, ना जाने इस चीज को करने के पीछे इनकी कितनी देर की मेहनत रही होगी। हमने आपको वीडियो के शुरू में ही चार कोने वाला मक्खन बनते हुए दिखाया था, पर अब आप इस पिरामिड की तरह दिखने वाले बटर को देखिए और देखिए आखिर ये कैसे बन रहे हैं। हालांकि इनके बनाने का तरीका भी वही है, बस दो वुडन शॉल्स की जरूरत होगी। लेकिन दोस्तों, पहले ये इस तरह के नहीं होते थे, बल्कि इन्हें इन शॉल की मदद से खुद ही शेप देनी पड़ती है। दोस्तों, अब आप सफाई के इस मास्टर जी की सफाई को भी देख लो। दरअसल ये किसी होटल रूम की खिड़की को केवल 10 सेकंड से भी कम समय में पूरी तरह से चमका देते हैं, और सफाई करने के बाद शीशा ऐसे चमकता है कि फिर आप भले ही उसमें अपना चेहरा देखकर शेव भी कर लो। बड़े से बड़े परफेक्शनिस्ट भी इस वीडियो को देखकर हिप्नोटाइज हो जाएंगे, क्योंकि एक तो ये महाशय अपने काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रहा है, और ऊपर से जैसे ये चक्री से घूम रही है उसे देखकर तो वैसे ही आंखें घूम जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग इस काम को बड़े आराम से और फटाफट से कर रहे हैं, वो भी बिना रुके और किसी पीस को खराब न करते हुए। ये तो भाई जादू है जादू। इस अगली क्लिप को देखकर आप भी यही कहोगे, अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। क्योंकि दोस्तों, ये अकेली लड़की हमें तो नहीं पता अपने काम को कैसे मैनेज कर रही है, मगर हम देखकर ये जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इतनी तेज काम तो हमसे नहीं होगा। जहां पर ये लड़की केवल अपने एक हाथ से स्पेशल डिवाइस की मदद से इन एप्पल्स के छिलकों को काट रही है, रेखा से किसी तीखी चीज की मदद से छिलके बता रही है, और दूसरे से पेटी में से काटने के लिए नए एप्पल्स उठा रही है। पिछली वीडियो को देखकर तो आपको बस चक्कर ही आए होंगे, लेकिन इसको देखकर आपकी पीठ भी दुखने लग जाएगी, क्योंकि ये काम है इतना मुश्किल कि देखते ही आदमी की बस हो जाए। मगर ऐसे कलाकारों के बारे में हमारे पास भी शब्द कम है, जो कि अपने काम से लोगों को हैरान तो करते हैं, लेकिन अगर वो काम बस वही कर पाए तो और भी ज्यादा हैरानी होती है। अब इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस वीडियो को हमने एडिट करके फास्ट किया हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये तो बस इस शख्स की कलाकारी है कि अपने काम को इतनी तेजी से कर रहे हैं कि अगर कोई इनसे अनजान इंसान इनकी वीडियो देख ले तो वो शायद ऐप को ही गालियां देने लग जाए कि एक ऐसा ऐप है कि खुद ब खुद वीडियो फास्ट हो गई। लेकिन दोस्तों, जो मर्जी हो, इनके काम करने का तरीका काफी लाजवाब है। दोस्तों, आपने भी अपनी रसोई में कभी ना कभी खीरा जरूर काटा होगा रोटी के साथ खाने के लिए, और ज्यादा बार तो खीरा नहीं बाकी हाथ भी कटा लिया होगा, क्योंकि हमें उसे एक प्रकार का काटना होता है जो कि लाख कोशिश करने पर भी हमसे नहीं होता। लेकिन साथियों, लगता है इन महाशय से सब कुछ हो जाता है। ये खीरे को इतनी तेजी से और इतनी बारीकी से और इतनी परफेक्शन से काटते हैं कि इन्हें काम करते वक्त देखने वालों का मुंह खुला का खुला और आंखें फटी फटी रह जाए। आप देख सकते हैं, जहां हमें एक खीरा काटने के पीछे 5 से 10 मिनट का समय लगता है, वहीं इन्होंने केवल हमारे हिसाब से 5 से 10 सेकंड ही लगाए होंगे। फास्टेस्ट वर्कर भाई साहब, फास्टेस्ट वर्कर। जहां आपके घर में डिलीवरी पहुंचाने में जोमैटो या फिर स्विगी वालों को मात्र कुछ ही मिनटों का समय लगता है, मगर खाने वाली चीजों को खाने के लिए उनसे काफी ज्यादा समय लगता है। जैसे कि आप पिज्जा को ले लीजिए, लेकिन दोस्तों बता दें कि इन महाशय ने केवल 1.5 मिनट में एक पूरा पिज्जा बनाकर अपने ग्राहक को दे दिया, और वो भी बड़े वाला पिज्जा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जनाब अपने काम में कितने ज्यादा माहिर होंगे। दोस्तों, पीछे हमने आपको एप्पल्स को काटने वाला एक नायाब डिवाइस दिखाया था, मगर अब आप ऐसे फल या फिर सब्जी के टुकड़े करने वाले इस हैंडमेड मशीन को भी देख लीजिए, जिसमें हर एक पीस के टुकड़े बिल्कुल इक्वल होते हैं, यानी कि सभी पीस इसमें बराबर कटते हैं। वैसे ये डिवाइस बड़ा ही काम का है, दोस्तों आपको खरीदना चाहिए। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको फास्टेस्ट वर्कर की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वर्कर्स देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए,
अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी, आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।